तू चंडेल से हाथ मिला रहा था। रुक जाओ। मेरी एक लौटी पत्नी है बंधु, क्या करूं इन्हें। यश राज ने अपनी शमशेरा की कमान किस सेट मेकर को दी है? रणबीर कपूर इस फिल्म में क्या डबल रोल में दिखने वाले हैं? क्यों रणबीर कपूर के लिए फिल्म बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है? आज मैं बात करने वाली हूँ रणबीर कपूर की एक ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में जो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है रणबीर कपूर और उनके फैंस के लिए। रणबीर कपूर के लिए इसलिए क्योंकि रणबीर कपूर इस फिल्म में एक ऐसा रोल करने वाले हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया, पीरियोडिक फिल्म करने वाले हैं। और वहीं पर फैंस के लिए फिल्म इसलिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि वो एक टिकट की प्राइस पर डबल रोल देखेंगे रणबीर कपूर का। और ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये अंदर की सूत्र यानी कि इंटरनल इंफॉर्मेशन कह रही है। अगर आप बड़े से बड़े राइटर ले आए, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर ले आए, लेकिन फिल्म का जो सेट मेकर है अगर वो अच्छा नहीं है तो फिल्म थोड़ी सी फीकी फीकी लगती है। जिसकी वजह से यश राज ने अपनी शमशेरा के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड सेट मेकर बुलवाया है जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने काम में, जिनका नाम है सुमित बासु। आपको बता दूं कि संजय लीला की जितनी भी फिल्म है उसमें इन्होंने ही सेट को बनाया है। इसके अलावा थग्स ऑफ हिंदुस्तान, मिर्जिया जैसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने सेट का निर्माण किया है। आपको बता दूं कि इनके नाम पर मत जाइएगा, लेकिन इस फिल्म में जो बहुत सारे सेट यूज किए गए हैं, बड़े बड़े निर्माण किए गए हैं, उन सब का काम सुमित बासु ने ही किया है। आपको बाहुबली तो याद ही होगी, बाहुबली में जितनी भी चीजें यूज की गई थी उसमें जितने बड़े बड़े महल थे, पैलेस थे और बहुत सारे जो एनिमल यूज किए गए हैं वो सब हैंडमेड थे। और वही सब कलाकारी करने वाले हैं सुमित बासु इस फिल्म शमशेरा में, जिसकी कहानी 1800 में बेस्ड होने वाली है। आपको बता दूं कि इसमें रणबीर कपूर डबल रोल में दिखने वाले, एक तो खुद का किरदार निभाएंगे और उसी में वो अपने बाप का भी किरदार निभाने वाले हैं। बाकी अगर रणबीर कपूर ने अपनी एक फीस पर दो रोल किए हैं तो ये डायरेक्टर फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारी हिस्ट्री दिखाई जाएगी और फिल्म में रणबीर कपूर चोर का किरदार निभाने वाले हैं। वैसे ये बात थोड़ी सी गौर करनी चाहिए क्योंकि आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी थोड़ी सी ऐसी फिल्म थी और उसमें वो चोर का किरदार उन्होंने निभाया था और वो फिल्म यशराज बैनर के तले ही बनी थी। तो देखना है कि रणबीर कपूर क्या थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए बहुत स्पेशल भी है और बहुत खास भी है। फिलहाल तो ये वक्त तो बताएगा कि फिल्म अच्छी है कि बुरी। बाकी आपको बता दूं कि रणबीर कपूर एक ऐसी और बड़ी फिल्म में काम कर रहे हैं यानी कि जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो पार्ट टू में आएगी, पार्ट वन और पार्ट टू में, तो वो भी बहुत बड़ी फिल्म है। अब ब्रह्मास्त्र और शमशेरा, ये दो बड़े प्रोजेक्ट रणबीर कपूर के करियर में माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन फिल्मों ने बिजनेस अच्छा नहीं किया तो रणबीर कपूर के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं पैदा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या रणबीर कपूर के स्टारडम से ये दोनों फिल्में अच्छा बिजनेस कर जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।